चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर को उषा पब्लिकेशन की बुक में जिसका आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 45 नंबर क्या लिखा है फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स वाई जेड पार्टनर है और बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन की ओके uh, okay. उसके बाद लिखा है वाई रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द अबब डेट एंड इन दिस कनेक्शन इट वाज डिसाइडेड टू मेक द फॉलोइंग एडजस्टमेंट सेवन नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई हैं और लिखा है प्रपेयर रीवैल्युएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट तो बैलेंस शीट और रिवेलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको परपेयर करने को बोला है और इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है uh, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर साइलेंट हो प्रॉफिट शेयर रेशो के बारे में क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं इक्वल मान लेते हैं एग्जैक्टली exactly. तो हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल लेंगे तीनों पार्टनर्स की तो चलिए फिर करते हैं इस सम को सॉल्व और सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रीवैल्युएशन अकाउंट फॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए और पहली एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं क्या लिखा है टू रिड्यूस स्टॉक बाय फाइव परसेंट अब स्टॉक को कम करना है रिड्यूस बाय फाइव परसेंट फाइव so, परसेंट से रिड्यूस करना है जितनी स्टॉक की वैल्यू है उसका फाइव परसेंट करेंगे तो हमारे पास डिक्रीज वैल्यू आ जाएगी तो डिक्रीज इन एसेट्स हम डालते हैं कहां पर री वैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड तो लिखिए फिर टू स्टॉक अकाउंट स्टॉक है हमारे पास ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड का मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइव परसेंट से तो ये वैल्यू निकली डिक्रीज हमारे पास कितनी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ओके सेम वे नेक्स्ट है हमारे पास टू रिड्यूस फर्नीचर बाय टेन परसेंट नेक्स्ट में फर्नीचर को कम करना है हमने वो कितना टेन परसेंट से ठीक है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसआईटी हो रहा है इसमें भी तो ये भी हम कहां लिखेंगे रीवैल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड तो लिखिए टू फर्नीचर फर्नीचर की वैल्यू हमें दी हुई है बैलेंस शीट में फाइव थाउजेंट तो लिखिए फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन परसेंट तो ये निकला हमारा फाइव हंड्रेड ओके नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट फाइव परसेंट डेटर जब प्रोविजन रखनी है डाउटफुल डेट की पाँच परसेंट डेटर पर हमारे पास डेटर पर कोई भी प्रोविजन ऑलरेडी जो बैलेंस शीट है उसमें नहीं है सिंपल डेटर्स दिए हुए हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के तो हम ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर फाइव परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे प्रोविजन तो प्रोविजन क्रिएट कैसे होती है रीवेल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड डाल के तो लिखिए डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय फाइव परसेंट तो ये निकला वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव ओके नेक्स्ट हमारे पास लिखा है फोर्थ पॉइंट अ लॉन्ग डिस्प्यूट विद वन ऑफ द कराइटर वाज सेटल बाय पेइंग नाइन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज इन कैश इन anticipation, 6,000 have हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन सेंट्रिकेटर फॉर दिस purpose. अब इस क्वेश्चन में ये ही एक नई आपके पास एडजस्टमेंट आई है कि क्या लिखा हुआ है एक सिक्स थाउजेंड की लाइबिलिटी है जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्रेडिटर में ठीक है उसके साथ हमारा कोई डिस्प्यूट चल रहा था कोई झगड़ा चल रहा था उसको सेटल किया है सिक्स थाउजेंड की लाइबिलिटी को उस क्रेडिटर को हमने नाइन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज पे करके सेटल किया है अब वो सेटिस्फाइड है कितने अमाउंट ज्यादा पे किया है थ्री थाउजेंड फिफ्टी रुपीज तो ये क्या हो गया हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हम कहां डालते हैं री वैल्युएशन अकाउंट की डेबिट साइड ओके तो चलिए फिर लिखते हैं इसको तो चलिए लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स नाइन थाउजेंड फिफ्टी माइनस कर दीजिए सिक्स थाउजेंड जो ऑलरेडी बुक्स में है तो इनक्रीज इन लाइबिलिटी हमारा कितना है थ्री थाउजेंड फिफ्टी रुपीज ओके नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास गुडविल लिखी हुई है ट्वेल्व थाउजेंड फर्म की और उसके नेक्स्ट पॉइंट में एक्स एंड जेड की फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है और लास्ट पॉइंट में लिखा है कि वाई को पेड ऑफ करना है मीन्स लोन नहीं क्रिएट करना सारे का सारा अमाउंट पे कर देना है उसके लिए एक्स एंड जेड जितना भी पैसा चाहिए वो लेकर आएंगे ठीक है तो ऐसे हिसाब से वो पैसा लेकर आएंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो में डिवाइड हो जाए ठीक है तो वो उसकी कैलकुलेशन हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे अभी रीवेलूशन में और कोई भी आइटम नहीं आने वाली तो चलिए फिर रीवेल्यूशन अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं तो रीवेल्यूशन अकाउंट की डेबिट साइड क्योरिटल हमारे पास सिक्स थाउजेंड एंड क्रेडिट साइड कोई भी आइटम नहीं है तो रीवैल्यूशन का क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो ये क्या निकला हमारा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूशन अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट अमाउंट है सिक्स थाउजेंड एक्स वाई जेड की कैपिटल में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेरी रेशियो क्या है वन बाय थ्री ऑफ ईच पार्टनर बिकॉज हमने इक्वल रेशियो माननी है तो सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई वन बाय थ्री किया तो सभी का शेयर निकल जाएगा टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड ईच ओके तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट अब हम चलते हैं आगे और प्रिपेयर कर लेते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहली आइटम हमने डालनी होती है एज यूजल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जितना भी हमें बैलेंस शीट में बैलेंस दिया है कैपिटल अकाउंट का वो एज इट इज ही यहाँ पर हम लिख देंगे तो बैलेंस शीट में एक्स का दिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड वाई का है फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जेड का है टेन थाउजेंड तो एज इट इज ही लिख दीजिए एक्स के कॉलम में ट्वेंटी थाउजेंड वाई के कॉलम में फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड जेड के कॉलम में टेन थाउजेंड ओके उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट में ही है जर्नल जरब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स तो चलिए इनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो लिखिए है बाय जर्नल जरब रेशो है हमारी इक्वल तो सेवेंटी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए वन बाय थ्री तो सभी का शेयर निकल जाएगा टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तीनों के कॉलम में आ जाएगा ओके और कोई आइटम नहीं है बैलेंस शीट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होनी चाहिए तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारे पास जो रीवैल्यूशन अकाउंट का हमने लॉस कैलकुलेट किया था वो अब डाल लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो लिखिए टू रीवैल्युएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस लॉस जो है उसमें हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं डेबिट हो रहे हैं और रीवैल्यूशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो इसलिए इसको डेबिट साइड लिखा है ओके प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड लिखते हैं ऑलवेज तो जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया एक्स वाई जेड का वो सेम यहाँ पर लिख देंगे टू थाउजेंड टू थाउजेंड एंड टू ओके नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल ट्वेल्व थाउजेंड तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड उसके बाद शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे वाई का देन उसको डिवाइड करेंगे एक्स एंड जेड के बीच में तो चलिए फिर वर्किंग नोट पर पे कर लीजिए और लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ऑफ एक्स एंड जेड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ऑफ एक्स एंड जेड गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है हमारे पास न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर तो करते हैं कैलकुलेट एक्स का गेन एक्स का न्यू शेयर है फाइव बाई एट उसमें से माइनस कर दीजिए उसका ओल्ड शेयर वन बाय थ्री एल्शियम ले लिया हमने एट मल्टीप्लाई बाय थ्री करके ट्वेंटी फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दीजिए आ जाएगा फिफ्टीन माइनस कर दीजिए एट मल्टीप्लाई वन किया तो आया एट तो ये बचा हमारे पास सेवन बाय ट्वेंटी फोर ओके ये है हमारा एक्स का गेन तो चलिए सेम बेज जेड का भी गेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं यानी जेड का न्यू शेयर है थ्री 8 एट माइनस कर दीजिए उसमें से उसका ओल्ड शेयर वन बाय थ्री एल्सियम ले लीजिए ट्वेंटी फोर एट मल्टीप्लाई थ्री किया ना ठीक है अब थ्री मल्टीप्लाई थ्री करेंगे ऐसे नाइन माइनस कर दीजिए एट मल्टीप्लाई वन करके एट तो ये हमारे पास बच्चा वन बाय ट्वेंटी फोर ओके तो ये हमारी गेनिंग रेशियो आ गई एक्स एंड जेड की सेवन टू वन की ओके तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं वाइज शेयर ऑफ गुडविल तो लिखे कैलकुलेशन ऑफ वाइज शेयर ऑफ गुडविल क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें फॉर्म की गुडविल ले लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वाइज प्रॉफिट शेयर ओके फॉर्म की गुडविल है हमारे पास 12,000 की मल्टीप्लाई कर दीजिए वाइज के शेयर के साथ 1 बाय थ्री से तो शेयर ऑफ गुडविल निकला है कितना हमारा 4,000 ओके सो वाई एक्स कितना पे करेगा एंड जेड कितना पे करेगा वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग एक्स एंड वाई इन दिया गेनिंग रेशो तो एक्स का शेयर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं जितना वाई का शेयर है मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के गेनिंग शेयर के साथ ठीक है वाई का शेयर है गुडविल का फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स के गेन के साथ सेवन वाई एट से तो ये निकला थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके सेम वे जेड का शेयर कर लेंगे कैलकुलेट जो वाई को पे करना है तो वाई का शेयर है गुडविल का फोर थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड के गेनिंग शेयर के साथ वन बाई एट से तो ये निकला फाइव हंड्रेड ओके तो ये हमारे पास अमाउंट आ गए तीनों चलिए आप चलते हैं कैपिटल अकाउंट में तो डाल देते हैं वहाँ पर तो चलिए लिखिए क्रेडिट साइड बाय एक्स कैपिटल अकाउंट वाई के कॉलम में जे आ जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और वाई जेड से कैपिटल अकाउंट फाइव हंड्रेड आ जाएगा वाई के कॉलम में दोनों ने इतना शेयर गुडविल का दे दिया वाई को ठीक है और इसकी ऑपोजिट डेबिट साइड आ जाएगा टू वाई जी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल एक्स कॉलम में आ जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड जेड के कॉलम में आ जाएगा फाइव हंड्रेड ओके तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो चुका है ओके अब हम चलते हैं आगे next point i am y should be paid off and the entire sum payable to y shall be bought in by x and z in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio तो क्या मतलब है इसका कि वाई को सारे का सारा पैसा पे करना है किसने करना है एक्स एंड जेड ने करना है कि वो ऐसे पैसे लेकर आएंगे कि उनकी जो कैपिटल है वो ए, उनकी न्यू प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ठीक है तो चलिए करते हैं इसकी कैलकुलेशन एक वर्किंग नोट ओवर बनाना पड़ेगा हमें चलिए फिर करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म उसको कैसे करेंगे कैलकुलेट तीनों की कैपिटल ऐड कर लेंगे लिखिए फॉर्मूला एक्स कैपिटल बैलेंस प्लस कर दीजिए वाइज पेएबल अमाउंट जितना वाई को हमने पे करना है और प्लस कर दीजिए जेड की कैपिटल का बैलेंस ओके तो टोटल लगा लीजिए एक्स का हमारे पास बैलेंस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे निकलेगा डेबिट का टोटल माइनस कर दीजिए क्रेडिट से तो डेबिट साइड है हमारे पास फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड क्रेडिट साइड है हमारे पास ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो जो बैलेंस निकला एक्स का वो निकला सेवेंटीन थाउजेंट ओके जो एक्चुअल अभी बैलेंस है उसका बिजनेस में वो और सेम पे वाई का पेबल निकाल लेंगे वाई का डेबिट में है टू थाउजेंड और क्रेडिट में ट्वेंटी वन थाउजेंड तो इसका बैलेंस निकला नाइन्टी थाउजेंड तो नाइनटीन थाउजेंड ऐड कर दीजिए और ऐसे ही हम जेड का निकाल लेंगे जेड का है डेबिट में ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और क्रेडिट में है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका निकला बैलेंस टेन थाउजेंड तो टोटल लगाया तो हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्माई फोर्टी सिक्स ओके तो अब ये फोर्टी सिक्स थाउजेंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मांग एक्स एंड जेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओके तो एक्स की न्यू कैपिटल आ जाएगी फोर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई फाइव डिवाइडेड बाय एट कर दीजिए तो ये निकला ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और जेड की न्यू कैपिटल आ जाएगी फोर्टी सिक्स थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय एट कर दीजिए ये निकला सेवेंटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ओके तो चलिए ये हमारा निकल गया है बैलेंस डाउन अब हम लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जो एक्स का है वो लिख देंगे टू बैलेंस डाउन में ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी वाई का तो बैलेंस हमने लिखना है टू कैश अकाउंट नाइनटीन थाउजेंड वो तो पेमेंट कर देनी है क्योंकि पैसे लेकर आ गए हैं एक्स एंड जेड ठीक है और जेड का बैलेंस आ जाएगा 17,250 ठीक है तो ये हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन निकल गए हैं लेकिन बैलेंसिंग फिगर निकालनी अभी बाकी है एक्स एंड जेड की तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगा हमारा कैश या तो वो विड्रॉल करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे तो चलिए फिर करते हैं इसकी बैलेंसिंग एक्स डेबिट का टोटल है हमारे पास थर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी एंड क्रेडिट का टोटल है ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका बैलेंस निकला है क्रेडिट साइड इसका क्या मतलब है कि एक्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस में कितनी इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी तो इसके सामने लिखिए बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर जो कैपिटल अकाउंट में से हमने कैलकुलेट की है ओके सेम वे जेड का कैलकुलेट कर लेते हैं जेड का हमारे पास टोटल आया है क्रेडिट का नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और उसमें से सब करेंगे क्रेडिट का टोटल ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इसका बैलेंस निकला है क्रेडिट ही कितना सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो ये भी बिजनेस में इतना कैश लेकर आएगा ठीक है तो दोनों बिजनेस में कैश लेकर आ रहे हैं जिसकी हेल्प से हम पे कर पाएंगे वाई को ओके तो चलिए अब हम प्रपेयर कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमारा हो गया है कंप्लीट तो बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम जो हमारे पास दी हुई है ओल्ड वाली में संड्री क्राइटर है एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी के लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट भी है रिलेटेड टू क्राइटर तो वो भी कर लेंगे तो चलिए लिखिए न्यू बैलेंस शीट में सेंड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 18,240 के उसमें प्लस कीजिए जो इंक्रीज आया था हमारे क्रेडिटर्स में कितना 3,050 का उसमें से माइनस कर दीजिए जितना हमने पे ऑफ कर दिया है ठीक है 9,050 थाउजेंड हमने पे कर दिए हैं क्रेडिटर को तो ये हमारे पास बैलेंस निकला है संड्री क्रेडिटर का 12,240 ओके अब उसके बाद हमारे पास जर्नल रिजर्व जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो अभी ये जीरो बैलेंस हो चुका है तो न्यू बैलेंस शीट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे ठीक है तो उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस तो चलिए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डाल देते हैं एक्स एंड जेड का ही जाएगा क्योंकि वाई का तो हमने पे कर ही दिया है तो लिखिए कैपिटल अकाउंट एक्स का है हमारे पास ट्वेंटी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी और जेड का है सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो नेट बैलेंस टोटल निकले दोनों के कैपिटल का हमारे पास फोर्टी सिक्स थाउजेंड ओके और तो कुछ आना नहीं है लाइबिलिटी साइड तो चलिए अब एसेट साइड प्रिपेयर कर लेते हैं एसेट साइड हमें सबसे पहले आइटम दी हुई है कैश अकाउंट का बैलेंस कितना 16,240 का लेकिन कैश ट्रांजैक्शन हमारी बहुत है इसमें क्रेडिटर की भी पेमेंट की हुई है बाई को भी पेमेंट की है एक्स एंड जेड से पैसे लिए भी हुए हैं इसलिए हम कैश अकाउंट परपेयर कर लेते हैं इसको आ, अच्छे से बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाएगा ठीक है तो चलिए फिर कैश अकाउंट पर पे कर लीजिए लिखिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हमारे पास दिया हुआ है सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी सभी एसेट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है जी मैं बार बार आपको बताता हूँ अगर डेबिट बैलेंस नहीं है तो वो एसेट नहीं है वो हमारी लाइबिलिटी है ठीक है क्रेडिट बैलेंस हो तो लाइबिलिटी डेबिट बैलेंस हो तो एसेट्स तो सबसे पहले हमने एक लायबिलिटी पे की थी कराइटर की बो डालते हैं लिखिए बाय कराइटर्स अकाउंट नाइन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज की पेमेंट की है ना जो दिखाया हमारे पास फोर्थ एडजस्टमेंट में सेटल्ड बाय पेइंग नाइन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज इन कैश पेइंग लिखा पे कर दिया है ठीक है इतना तो कैश दे ही दिया है उनको ओके उसके बाद हमने एक्स एंड जेड से एक पैसे लिए हैं वो डाल देंगे डेबिट साइड तो लिखे टू एक्स कैपिटल अकाउंट इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी एक्स ने डिपॉजिट कराए हैं एज ए कैपिटल ओके गैप। और टू जेड से कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस किया है वो किया सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ओके और एक लास्ट में हमने पेमेंट की है वाई को तो वो लिख देंगे पेमेंट साइड मीन्स क्रेडिट साइड बाय वाई कैपिटल अकाउंट नाइनटीन थाउजेंड ओके तो चलिए अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग तो डेबिट साइड का टोटल आया हमारे पास थर्टी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास ट्वेंटी एट थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हमारे पास निकला है सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ ओके तो ये हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया इसको हम डाल देते हैं बैलेंस शीट में तो लिखिए बैलेंस शीट की एसेट साइड कैश अकाउंट सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड नाइन्टी नेक्स्ट आइटम है हमारे पास संड्री डेटर्स ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के तो इसके हमने प्रोविजन भी कैलकुलेट की है देखिए रिविलेशन अकाउंट में वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की तो वो हम अब लेस करेंगे तो लिखिए बैलेंस शीट में संडरी डेटा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस कर दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो नेट संड्री डेटर निकले हमारे पास ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ओके नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक 26,500 का तो so, स्टॉक हमने भी किया है रिड्यूस रिवेलेशन अकाउंट में इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई थी ना 5% से 1,325 से तो जो भी लेस करके लिखेंगे तो so, लिखिए फिर स्टॉक 26,500 सब्ट्रैक कर दीजिए 1,325 तो जो नेट स्टॉक है हमारे पास 25,175 रुपीस ओके नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम है हमारे पास फर्नीचर 5000 का फर्नीचर भी हमारा रिड्यूस हुआ है 10 परसेंट से मीन्स 500 वैल्यू है देखिए रिवलेशन में तो ये अब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे बैलेंस शीट में तो लिखिए बैलेंस शीट में फर्नीचर 5000 माइनस कर दीजिए उसमें से 500 तो नेट फर्नीचर आया हमारे पास फोर ओके तो चलिए ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल लाइबिलिटी टोटल है हमारे पास 58,240 एंड एसेट्स का टोटल है, है 58,240 आपस में जब दोनों टोटल टैली हो चुके हैं तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट बिकॉज और कुछ भी नहीं रहता तो चलिए फिर ये आंसर सारे के सारे हमारे डहली हैं आप देख सकते हो लॉस आ गया सिक्स थाउजेंड एक्स का बैलेंस है ट्वेंटी एट थाउजें सेवन हंड्रेड फिफ्टी जेड का सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी बैलेंस रिकॉर्ड फिफ्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फोर्टी तो सारे आंसर डाली हैं क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट <laughs> तो मिलती है फिर कल टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत अकाल